अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर चार बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ। हेलो एंड वेलकम, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ वेक में, जहां मिलेगी आपको कंफर्म वेक के हिसाब से शानदार न्यूज भी। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर चार बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ जो आप सभी के लिए बेहद जरूरी है और अच्छी खबर है। साथ ही एक खबर आप सभी के लिए बेहद बुरी खबर साबित हो सकती है, जी हाँ, लेकिन तीन जो खबर है वो आप सभी के लिए बेहद जरूरी और अच्छी खबर है। साथ ही आपको बता देता हूँ इन खबरों में रेगुलर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें बताया गया कि किस दिन से रेगुलर अंतरराष्ट्रीय ऑपरेट होने वाली है इंडिया से किसी अदर देश के लिए, और सारे देश की सूची बताऊंगा जहां पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जल्दी से ऑपरेट होने वाली है। साथ ही दो खबर आप सभी के लिए बेहद जरूरी और लास्ट वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने बताया कि रेगुलर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ अपडेट है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, साथ ही जितना हो सके उतना शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। उससे पहले कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना आप यहां से जाना चाहते हो या फिर वहां से आना चाहते हो, आप सभी के लिए बड़ी खबर लेके आ चुका हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहली खबर निकल के आ रही है बेहद जरूरी, यहां पर बता दे यहां पर 13 एयरलाइंस कंपनियों ने 14 डेस्टिनेशन के लिए अपने इंटरनेशनल फ्लाइट एयर बबल एग्रीमेंट तथा वंदे भारत मिशन के तहत चालू कर दिए। दरअसल आपको बता दें यहां पर बहुत बड़ी अपडेट, यहां पर 13 एयरलाइंस कंपनियों ने इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करने का बहुत बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें यहां पर 14 डेस्टिनेशन के लिए अपनी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। पहली अपडेट थी इनमें बताया जा रहा है देशों के नाम, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, यूएई, मालदीव जैसे देशों में जल्दी से अपनी फ्लाइट ऑपरेट करने वाली है 13 एयरलाइंस कंपनियां, जहां पर जो भी इस देशों में फंसे उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि वे जल्दी से अब इंडिया आ सकें, क्योंकि एक साथ 13 एयरलाइंस कंपनियां यहां पर फ्लाइट ऑपरेट कर रही है। यहां पर दूसरी बड़ी अपडेट आप सभी के लिए बुरी साबित हो सकती है, लेकिन बता दें सुनाना जरूरी है सभी को, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है हांगकांग की तरफ से। दरअसल आपको बता दें एयर इंडिया की तरफ से आ रही है, आपको बता दें हांगकांग जो भी हांगकांग में फ्लाइट ऑपरेट हो रही थी यहां पर कुछ यात्री पॉजिटिव पाए गए, जी आपको बता दें कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके कारण यहां पर फ्लाइटों की रोक लगा दी है। यहां पर एयर इंडिया की तरफ से एक भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं होगी 2 हफ्ते के लिए। जी हां, बुरी खबर थी लेकिन सुनाना जरूरी था। यहां पर हांगकांग की सरकार ने भी कह दिया और यहां की इंडिया की सरकार ने भी कह दिया कि हांगकांग के लिए एक भी फ्लाइट ऑपरेट नहीं होगी, फिलहाल जो भी सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई है 2 हफ्ते के लिए। अगली बड़ी अपडेट जो महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, यहां पर बता दें आप सभी को पता होगा 31 अगस्त तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है, लेकिन यहां पर जो भी फ्लाइट ऑपरेट हो रही है वो एयर बबल एग्रीमेंट तथा वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेट हो रही है। उसी के बीच आप सभी के लिए बेहद जरूरी खबर निकल के आ रही है, कल नाइट को मैंने वीडियो बना दिया था जिसमें मैंने बताया था 13 देशों के लिए इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेट होने वाली है, लेकिन आपको बता दें आप सभी के लिए अच्छी खबर, यहां पर 7 और देश जोड़े गए हैं। जी आपको बता दें यहां पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, कतर और मालदीव जैसे देशों को भी और इसमें जोड़ा गया है। आपको बता दें यहां पर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट में कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, बहरीन, इजराइल, केन्या, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया तथा थाईलैंड, इन देशों में जल्दी से अपनी फ्लाइट ऑपरेट करने वाली। एक बार फिर से सुन लेना, एक बार आप पुनः बता देता हूं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, कतर, मालदीव, साथ ही इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, बहरीन, इजराइल, केन्या, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। अब बात करते हैं आप सभी के लिए बेहद जरूरी अंतिम खबर जो आप सभी सुनना चाहते हो, रेगुलर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। दरअसल आपको बता दें आप सभी के लिए बेहद जरूरी अच्छी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें अनलॉक के 4वें चरण में इंटरनेशनल फ्लाइट चालू करेगी, यहां पर सरकार ने बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दरअसल आपको बता दें खबर यह निकल के आ रही है, यहां पर उद्योग मंडल फिल्क के सुझाव से बताया गया कि अनलॉक 4वें चरण में, जी हां, सरकार ने मल्टीप्लेक्स, मेट्रो, ट्रेन, अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानों को खोलने की इजाजत देनी चाहिए, इनमें बड़ा नोटिफिकेशन आउट किया। ऐसा करने के दौरान सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अपने गंतव्य में आ जाएगी। तो यहां पर कौन सा ऑफिशियल अपडेट निकल के आता है, जैसे इसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट निकल के आते हम आपको वीडियो बना के बता देंगे, लेकिन जो अभी निकल के आ रही अपडेट उसमें बताया जा रहा है कि रेगुलर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें जल्दी से ऑपरेट होने वाली है, आप सभी के लिए बेहद अच्छी खबर। इसी बात पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप सभी का धन्यवाद।